मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 16 ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिंकू वॉज अ टिमिड रैबिट हु लिव्स इन अ फॉरेस्ट। टिमिड कहते हैं डरपोक। मिंकू एक डरपोक खरगोश था जो जंगल में रहता था। ही वॉज ऑलवेज नर्वस, वह हमेशा आशंकित रहता था। आशंकित मतलब नर्वस रहता था, हर समय डरा डरा से इस तरह से। इवन द स्लाइटेस्ट नॉइज और मूवमेंट वुड मेक हिम पैनिक स्ट्रक। यहाँ तक कि स्लाइटेस्ट कहते हैं ना के बराबर, ठीक है, यहाँ तक कि ना के बराबर शोर और गतिविधि भी उसको क्या कर देती थी, मेक हिम पैनिक स्ट्रक, उसको बना देती थी डर उसके बना देती थी उसमें। ऑन अ हॉट आफ्टरनून मिंकू वॉज टेकिंग अ नैप अंडर अ शेडी मैंगो ट्री। एक ऑन अ हॉट आफ्टरनून, एक जो है गर्म दोपहर में मिंकू जो है एक शेडी कहते हैं छावदार जो होता है, छायादार, एक छायादार आम के पेड़ के नीचे नैप कहते हैं, जो हल्की सी नींद लेना होता है, ले रहा था। अ राइप मैंगो फेल एंड हिट मिंकू ऑन द हेड। एक पका हुआ आम गिरा और उसने क्या करा, उसके सर पर, मिंकू के सर पर हिट किया, यानी चोट करी। मिंकू जम्प्ड अप इन पैनिक, अब मिंकू जो है वो पैनिक यानी डर में उछला। ही डिड नॉट इवन वेट टू सी वॉट हैड हिट हिम, और उसने इस चीज़ का इंतजार नहीं करा कि उसके सर पर किसने हिट किया या किसने मारा। ही रन शाउटिंग, वह भागता हुआ चिल्लाने लगा, रन रन द स्काई इज फॉलिंग, कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। मतलब उसने बस उसके सर पर आम गिरा और उसने ये नहीं देखा कि क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सर पे, बस उसने वो डर गया और उसने ये सोच लिया कि जो है आसमान गिर रहा है। हिज शाउट्स अलर्टेड द स्क्विरल्स एंड द बर्ड्स, उसके चिल्लाने से जो हैं गिलहरियाँ और चिड़िया जो थी वो सावधान हो गई। दे फॉलोड मिंकू, और उन्होंने भी मिंकू को फॉलो करा, मतलब जैसा मिंकू भाग रहा था उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। ऑन द वे दे मैट डियर्स एंड बियर्स, रास्ते में जब वो भाग रहे थे रास्ते में उन्हें हिरन और भालू मिले। एंड एज मिंकू टोल्ड दैम, और जैसा कि मिंकू ने उन्हें बताया, दे ऑल्सो फॉलोड हिम विद देयर फैमिली, वे भी अपने परिवारों के साथ उसके पीछे भागने लगे। सीइंग सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक विशाल जानवरों के ग्रुप को देखकर, द एलिफेंट आस्क, हाथी ने पूछा उनसे, वाई आर ऑल ऑफ यू रनिंग अवे, आप सब क्यों दूर भागे जा रहे हैं। यू टू रन लाइक अस, तुम भी हमारी तरह भागो। एंड ट्राई टू सेव योर लाइफ, और अपनी जीवन को बचाओ, रेप्लाइड अ डियर, एक हिरन ने उत्तर दिया। बट वाई, लेकिन क्यों, इंक्वायर्ड द एलिफेंट, हाथी ने पूछताछ की, इंक्वायरी की। मिंकू टोल्ड अस, मिंकू ने हमें बताया, दैट द स्काई इज फॉलिंग, की आसमान गिर रहा है। देन वी मस्ट गो एंड टेल द किंग, इसलिए हम जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए और राजा को बताना चाहिए। सो द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वेंट विद द अदर्स, इसलिए क्या हुआ, जो हाथियों का झुंड था वो भी उन अदर्स उन अन्यों के साथ चलने लगा, भागने लगा। ऑन द वे द लेपर्ड्स द फॉक्सेस एंड द मंकीज ऑल्सो ज्वाइन देम, रास्ते में उनको किस किस ने, लेपर्ड्स यानी तेंदुओं ने, फॉक्सेस लोमड़ी ने और बंदरों ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन देम उनके साथ जुड़ गए। द थंडरिंग ऑफ सो मैनी रनिंग फीट वॉज हेयर्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, और जो द थंडरिंग, थंडरिंग यानी जो गरजने की आवाज़ होती है, ऑफ सो मैनी रनिंग फीट, जो बहुत से भागते हुए पैर थे, वॉज हियर, उसको सुनकर ऑल ओवर द फॉरेस्ट, वो जो है सभी पूरे जंगल में सुनाई देने लगा। द जेब्राज इंक्वायर्ड वाई आर यू फीलिंग सो फास्ट, अब जेब्रा ने उनसे पूछताछ की कि आप सब इतनी तेजी में क्यों भागे जा रहे हैं। आउट ऑफ दैम आ मंकी, उनमें से एक बंदर, रेप्टाइड, एक बंदर ने जवाब दिया, वी आर गोइंग टू द किंग, हम राजा के पास जा रहे हैं। वी मस्ट आस्क हिम टू टेक अस टू अ सेफ प्लेस, हम उनसे जो है, हमें उनसे पूछना है एक सेफ यानी जो सुरक्षित स्थान हो उसकी, वहाँ पर वो हमें ले चलें। यू सी द स्काई इज फॉलिंग, तुम देख सकते हो आसमान गिर रहा है। एज द जेब्राइज ज्वाइंट द ग्रुप, अब क्या हुआ, जेब्रा ने भी, जो जेब्राज थे उन्होंने भी उस समूह को
ज्वाइन कर लिया, उनके साथ जुड़ गए। द बुल्स एंड द जिराफ्स ऑल्सो वेंट अलोंग, और भेड़िए और जिराफ भी एक साथ उनके साथ चल पड़े। सून इनफ द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेड बाय मिंकू रीच द लायंस डेन, जल्दी ही जो वो विशाल जानवरों का ग्रुप था वो मिंकू के नेतृत्व में, ठीक है, कहाँ पहुँचा, शेर की मांद में, डैन यानी शेर की गुफा में पहुँचा। द लॉयन केम आउट, शेर जो है बाहर आया। एज ही हियर द नॉइज ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के शोर को सुनकर। ही रोअर्ड इन एंगर, वह गुस्से में दहाड़ा। वाई आर ऑल ऑफ यू हियर, आप सब यहाँ क्यों आए हैं। डू नॉट यू हैव एनीथिंग टू डू, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द जैबरा सैड, जैबरा ने कहा, सर वी हेयर टू टेल यू, हम आप श्रीमान हम आपको यह बताने आए हैं, दैट वी मस्ट लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली, कि हमें जो है तुरंत ही जंगल को छोड़ देना चाहिए। वाई, क्यों, द लॉयनास, शेर ने पूछा। द स्काई इज फॉलिंग सर, आसमान गिर रहा है श्रीमान। द वुल्फ रैपाइड, भेड़िए ने उत्तर दिया। एंड हु टोल्ड यू सो, द लॉयन इंक्वायर्ड, और यह आपको किसने बताया, लॉयन ने यानी शेर ने पूछताछ की। मिंकू द रैबिट, ऑल द एनिमल्स रेप्लाइड इन यूनिसन, सभी जानवरों ने एकता में मतलब एक साथ उत्तर दिया मिंकू खरगोश ने। मिंकू टेक मी वेयर यू फेल्ट द स्काई फॉलिंग, मिंकू मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर आसमान गिर रहा है, जहाँ पर तुम्हें लगा कि आसमान गिर रहा है। द लॉयन सैड, शेर ने कहा। मिंकू लेट द लॉयन एंड द अदर एनिमल्स टू द मैंगो ट्री, मिंकू जो है शेर को और अन्य जानवरों को आम के पेड़ के पास ले गया। ऑन इंक्वायरी मिंकू टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड, और पूछताछ करने पर मिंकू ने बताया कि क्या हुआ था। व्हेन द लॉयन सॉ द मैंगो ऑन द ग्राउंड, जब शेर ने ग्राउंड यानी जमीन पर आम को देखा, ही सैड, उसने कहा, दिस राइप मैंगो फेल ऑन टिमिड मिंकूज हेड, कि यह जो पका हुआ आम है ये डरपोक मिंकू के सर पर गिरा। एंड ही थॉट दैट द स्काई वाज फॉलिंग, और उसने यह सोच लिया कि आसमान गिर रहा है। ही डिड नॉट चेक व्हाट हिट हिम, और उसने यह चेक नहीं करा, उसने ये नहीं जाना कि उस व्हाट हिट हिम, कि उसको किसने हिट किया, किसने मारा। एंड ऑल ऑफ यू बिलीव हिम, और आप सभी ने उस पर विश्वास किया, विदाउट कन्फर्मिंग द फैक्ट, बिना तथ्य को कि पुष्टि करें। शेम ऑन ऑल ऑफ यू फॉर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द फॉरेस्ट, आप सबको शर्म आनी चाहिए जंगल की शांति को भंग करने के लिए। रीडिंग इसकी बेटा कंप्लीट हो गई, इसका वर्क भेजेंगे वो आप कर लीजिएगा।